नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे के आसू। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना सोनी। भावना सोनी जी से हम जानेंगे कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो हमारे लिए कितनी घातक है, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर, और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं कई बार उनको ये लगता है कि हमें अब शायद कोरोना नहीं होगा और लापरवाही बरत रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना है? मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग भी वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको ये लगता है कि हम सेफ हैं, हमें शायद दिक्कत नहीं होगी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी वो हिदायत बरतें क्या? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको अभी भी मास्क पहनना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम सीवियरिटी के लिए तो बच सकते हैं जी। बट हम ये कोरोना के लिए सेफ नहीं है। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी अपनी जनता से कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन का पालन करें। अभी भी जैसे कि देखा जा रहा है कि वैक्सीन के लिए लोग उतने जागरूक नहीं है, कई लोगों को लगता है कि शायद इसके सिम्टम्स इतने खराब है कि हमें बुखार काफी दिनों तक रहेगा या खुजली होना या अन्य चीजें होना, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जो अफवाहें उन पर ध्यान ना दें, सरकार जो वैक्सीन हमें प्रोवाइड करा रही है वो प्रॉपर लगवाएं, और बुखार आना, दर्द होना, ये अच्छे साइन है। जब भी हम कोई एंटीबॉडी लेते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। अगर हमें बुखार आ रहा है तो इसका मतलब है जो दवाई हमें दी गई है वो हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रही है। जैसे कि देखा गया कि काफी दिनों तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद खोल दिया गया, बाजार में काफी भीड़ हो रही है, लोग मतलब ऐसे निकल रहे हैं कि शायद अब अगले दिन हमें सामान मिलेगा ही नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए कि इतनी भीड़ में निकल रहे हैं और शायद डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है? जैसे कि अभी मार्केट सारी चीजें ओपन कर दी गई है जो कि जरूरी भी है, लेकिन लोगों को जब जरूरी हो, आवश्यक काम हो तो ही बाहर जाए, मास्क को पहने। मैं दुकानदारों से भी अपील करना चाहूंगी कि जो लोग मास्क पहन के नहीं आए उनको बोले मास्क प्रोवाइड कराए या उनको सामान ना दे जी। क्योंकि अगर जनता अगर लापरवाही करेगी तो उसके लिए हमें ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और मैं दुकानदारों से ये भी बोलना चाहूंगी कि वो लोग भी वैक्सीनेशन लगवाएं और उनके यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बराबर मास्क पहनने को बोले और खुद भी मास्क पहने। ऐसे जैसे कि एक आदेश भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो उनकी दुकान नहीं खोलने दी जाए या उनके कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, तो ये आदेश जो शासन ने किया है उनके इस आदेश को कहाँ तक आप सही मानती हैं? इस आदेश को मैं बिल्कुल सही मानती हूँ, सरकार ने जो आदेश निकाला है, क्योंकि ये एक प्रकार की जागरूकता है। अभी लॉकडाउन था तो दुकानें बंद थी, लोगों का था कि लॉकडाउन में काम नहीं है और बहुत सारी चीजें हुई थी, तो अभी दुकान खोल रहे हैं तो सबसे पहले इम्यूनाइज हो जाएंगे तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर उनको कोरोना होता भी है तो वो सीवियर केस में नहीं जाएगा, एसिम्टोमेटिक या थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे जिनका वो ट्रीटमेंट लेके आराम से सही हो सकते हैं। मतलब ऐसा देखा भी गया है जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी तो कोरोना का उतना प्रकोप उनको नहीं हुआ था? हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था, वैक्सीन लेने के बाद 10 से 15 दिन निकल चुके थे जी। वो सीरियस कंडीशन में नहीं गए, वो घर पे रह के ही दवाइयां लेके ठीक हुए हैं। और जैसे कि अब देखा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड लहर तो लगभग खत्म होने पर है, थर्ड लहर बच्चों के लिए काफी हानिकारक बताई जा रही है, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की हिदायत बरते हैं बच्चों के माता पिता? सबसे पहले बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं, कहीं बाहर जाते हैं अगर जरूरी काम है तो उनको मास्क पहनाए, हो सके तो उनको बाहर लेके नहीं जाए, खुद भी मास्क पहने, वैक्सीन ले, यही सारी चीजों में बोलना चाहूंगी। जैसे कि बाजार में भी देखा जा रहा है महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आ रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? ऐसी महिलाओं से मैं सिर्फ विनती करूंगी कि वो अपने बच्चों को बाहर लेके ना आए, घर पे सुरक्षित रखें। लास्ट में चलते एक बार फिर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहूंगी प्लीज मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर भावना सोनी, जो लगातार कोविड के दौरान अस्पताल में ड्यूटी भी करती रहीं, मरीजों को देखती रहीं, काफी अच्छे से इन्होंने वहां का पालन भी किया, एक कोरोना योद्धा के रूप में भी निकल कर सामने आई, आज हमारे बीच ये जानकारी दे रही थी। हम लोगों से भी अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। धन्यवाद।